ये देखिए, ये हमारे जितेंद्र भैया, वहाँ पे लग चुकी है 6000 एंड इसको चेंज करने में फिलहाल 3000 रुपये खर्चे। इसके से बनवाने के बाद बैक लिटरली जो फ्रंट, ये जो बैक रेयर की व्हील है ना, इसमें ब्रेक थोड़ी सी भी नहीं बज रही थी। हेलो गाइस, यार व्हाट्स अप एवरीबॉडी एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, फिलहाल आज हम लोग अपनी गाड़ी को दोबारा से रिपेयर करवाने के लिए जा रहे हैं और जो भी होंगे सो वो आगे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। गाइस गाइस देख सकते हो, अभी हम लोग इसको वापस रिपेयर करवाने के लिए लाए हैं। जो प्रॉब्लम्स है वो रिपेयर होगी अभी फिर से। जो मीटर है मेरी पूरी बर्बाद हो चुकी है, काम नहीं कर रही है और इसको चेंज करने में फिलहाल 3000 रुपये खर्च है। इसके लिए अभी इसको छोड़ रहे हैं। जितेंद्र भैया, आपको फेमस कर रहे हैं, आपको फेमस कर। ये देखिए, ये हमारे जितेंद्र भैया पीने के पास आता है। और गाइस, सबसे पहले फर्स्ट जो फ्रंट व्हील हमारा एक साइड भाग रहा था सो पूरी तरह से अलग हो चुका है एंड बहुत सारी सामान इसमें, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। सो आगे आपको अपडेट मिल जाएंगी। और ये देख सकते हो, ये है सस्पेंशन ग्रिल या ग्रिप आई होप, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे सस्पेंशन शू भी हमारा जो है, जो भी नाम है इसका, ये भी चेंज हो रहा है। 2 hours later। और इसके साथ ही साथ देख सकते हो, ये पूरी तरह से ये सेट हो रहा है अभी फिलहाल से। और देख सकते हो, एक एक पार्ट पूर्जा मतलब अलग हो गया है। और ये देखो, ये कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। और इसके बाद में हम लोग इसका जो ब्रेक शू है वो चेक करेंगे, और पीछे का जो ब्रेक शू है वो पूरी तरह से चेंज करवाना है हमें। और पीछे का जो भी सॉकर वगैरह का होता है वो सारा चीज़ भी हम लोग देख लेंगे, काम चलाने के लायक है या नहीं है। सो फिलहाल से इसमें देख सकते हैं सारा चीज़ लग रहा है। देख लो भाई लोग, ये हमारे जितेंद्र। और ये देख सकते हो क्या ही स्माइल दे रहे हैं। 2 hours later। फिलहाल ये फ्रंट का जो व्हील है उसका काम हो चुका है, सारी चीज़ें चेक हो चुकी है। फिलहाल से फ्रंट का हमारा जो ब्रेक शू है वो चेंज नहीं हुआ, वो काम अभी चल रहा है, मतलब सही है ब्रेक शू, अभी चलेगा नहीं दौड़ेगा ब्रेक शू हमारा। सो इसके लिए फ्रंट का हम लोग फाइनल कर चुके हैं, अब बैक का काम होगा। सो देखते हैं, फिलहाल अभी जितेंद्र भैया बोल रहे थे सो देख सकते हो, अभी हमारा फिलहाल से ये हमारा हेडलाइट का एरिया है, ये पूरी तरह से ओपन है। गाइस फिलहाल अपना स्कूटी ही पूरी तरह से बन चुका है एंड आगे चलकर बात करते हैं हम लोग इसमें आखिर क्या क्या चीज़ें लगी है वापस से। सो ये जो फ्रंट वाला है ना, फ्रंट वाला सस्पेंशन बूस्ट और उसकी ग्रिप एक होती है, आपको पिक में दिखा दूंगा। सो वो सारी चीज़ें जो है वो फ़िलहाल चेंज हुई है। एंड बात करें पीछे का सॉकर का जो ग्रिप होता है या सॉकर शू होता है वो भी चेंज हुआ है। एंड फिलहाल पूरी मक्खन की तरह चल रही है। एंड पीछे का गाइस ब्रेक शू जो होता है ना, ब्रेक शू चेंज करवाना पड़ा हम लोग को, बिकॉज पीछे की ब्रेक ही नहीं बज रही थी, जिसकी वजह से एक बार गिर चुके थे। एंड ये जो हैंडल है ना, ये ऐसे 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 हो रहा था। एंड अब जाकर लगभग आई थिंक सो 1000-1500 रुपये, मतलब 1500 में खर्च हो चुकी है अभी तक। एंड उससे पहले 6000 वहाँ पे लग चुकी है, 6000 एंड वहाँ से आने के बाद में भी 1500, मतलब 1500 रुपये, 1500 रुपये में खर्च हो चुकी है।
हाँ, यहाँ देख सकते हो यहाँ ट्रैफिक वाले रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आराम से निकलेंगे। तो भाई लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, फिलहाल कल भी हम लोग आए थे, ये डे टू है हमारा सर्विसिंग का, और थोड़े बहुत क्लिप कल हम लोगों ने शूट किया, बट आज हम लोगों का थोड़ा ज़्यादा खर्च बैठ गया था, तो मैं पैसे लाने के लिए गया था, तो उस टाइम पे सारा काम हो चुका है, तो पीछे का जो रेयर व्हील है ना, उसमें जो भी काम हुई है उसके सॉकर वगैरह में या फिर उसके शू में, उसकी कोई भी क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ इस वजह से। एंड जो फ्रंट में काम करवाया उसका क्लिप है मेरे पास थोड़ा बहुत, तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड अभी फ़िलहाल 6-7 बज गए हैं, एंड अभी जल्दी जल्दी हम लोग घर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डांस सुनने वाले हैं, बिकॉज आज दिन भर मैं ना बाहर रहा घर से, एंड कल भी इस टाइम पे गया था घर वापस। सो अभी फ़िलहाल हेलमेट भी अपना आ चुका है नया, एंड इसमें मालूम है कैसा एंगल आ रहा है, बट जो भी होगा आप लोग एडजस्ट कर लेना। देख सकते हो फिलहाल हम लोगों ने बैठ दिया है, टू आवर्स लेटर। वो गलती से मैंने हेडलाइट ऑफ करके रखा था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हेडलाइट हम लोगों ने ऑन कर लिया है और सामने आंटी आ गई। तो गाइस देखो, शाम में जब भी मतलब हल्का सा अंधेरा हो जाए, सो उस टाइम पे आप लोगों को अपना हेडलाइट ध्यान से ऑन करना है, एंड मैं आप लोगों को शोरूम भी दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ से बनवाने के बाद। गैस लिटरली जो फ्रंट, ये जो बैक रेयर की व्हील है ना, इसमें ब्रेक थोड़ी सी भी नहीं बज रही थी, एंड ये जो सामने आप लोग देख पा रहे होंगे हीरो का शोरूम, आई थिंक अभी शोरूम नहीं दिखेगा बिकॉज अंधेरा हो चुका है, एंड मेरा जो फ़ोन है अभी फ़िलहाल करंट का जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, सो उसका कैमरा उतना भी अच्छा नहीं है, सो कोशिश करेंगे कभी दिन में आए इधर आए तो आप लोगों को ज़रूर से दिखाएंगे वो क्लिप। चेक करो गाइस, इधर फिलहाल लाइट कटा हुआ है जिसकी वजह से इतना अंधेरा है। एंड फिलहाल अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, बस यहाँ पे छोटा सा काम है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं हम लोग।